कठिन परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती वाली कहावत को मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव के ग्रामीण चिकित्सक दिलीप कुमार के द्वितीय पुत्र सुमन कुमार ने चरितार्थ कर दिखाया है। सुमन की एक ही धुन नीट परीक्षा में सफलता हासिल करनी थी और एक ही सपना था कि चिकित्सक बनकर समाज व देश के लोगों की स्वास्थ्य की सेवा करना है और उन्होंने इस सपने को साकार कर दिखाया। उन्हें प्रथम प्रयास में 613 अंक मिले। नीट की परीक्षा 2023 में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 2184 व ओबीसी मिला है। बताते चले कि ग्रामीण चिकित्सक दिलीप कुमार के बड़ा पुत्र अमन कुमार और छोटा सुमन कुमार दोनों ही भाई प्रारंभिक शिक्षा वर्ग 4 से रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी से मैट्रिक की परीक्षा 2021 में प्रथम श्रेणी से पास की। इसके बाद इंटर की परीक्षा लक्ष्मी जनता प्लस टू उच्च विद्यालय मधवापुर से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो नीट की परीक्षा में सफलता के लिए राजस्थान के कोटा स्थित LN कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़कर तैयारी किया। बड़े भाई अमन कुमार को असफलता हाथ लगी जबकि छोटा भाई सुमन कुमार ने सफलता हासिल किया है। अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु व पिता दिलीप कुमार व माता रंजू देवी के आशीर्वाद को दिया है। उसे आगे मेडिकल की पढ़ाई कर बेहतर चिकित्सक बनने का सपना है। इसकी सफलता से जहां प्रखंड क्षेत्र में खुशी की लहर है वहीं बिहारी गांव व स्वजनों में खुशी का माहौल है। इसकी सफलता पर लोगों ने उनके माता पिता व स्वजनों को बधाई दी है। बधाई देने वालों में गाँव के ही डॉक्टर मनोज कुमार अकेला ललन कुमार समेत कई लोग शामिल थे। बताओ क्या नाम है? सुमन कुमार। सुमन कुमार, तुमने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है, क्या इसका श्रेय किसको दोगे? इसका श्रेय मैं अपने सभी शिक्षकगण को और माता पिता को। कहाँ पढ़ाई कर रहे थे तुम? मैं कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था, 11वीं और 12वीं की। अच्छा, मैट्रिक कहाँ से किया तुमने? मैट्रिक मधुबनी के रीजनल सेकेंडरी स्कूल से किया था। मैट्रिक मधुबनी से किया, कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे? मैट्रिक में तो 76% मार्क्स आए थे और इंटर में 84%। इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से दी? इंटरमीडिएट की परीक्षा मधुपुर के श्री लक्ष्मी जनता प्लस टू हाई स्कूल से दी। अच्छा, अब नीट की परीक्षा में तुमने सफलता हासिल की है, अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है या अभी बाकी? अभी एक महीने के अंदर में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, उसके हिसाब से कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद फिर कॉलेज में एडमिशन होगा। उसमें तो होता है कि ऑप्शंस दिए जाते हैं और कॉलेज का सिलेक्शन किया करना है तुम्हें, 4-5 कॉलेज में से किसी का सिलेक्शन करना हो, यही प्रोसेस है ना? जी। ओ, तो अब तुम डॉक्टर बनोगे, नीट की परीक्षा तुमने सफल कर ली है, डॉक्टर बनकर समाज सेवा करोगे या सरकारी जॉब में जाने की इच्छा है या क्या उद्देश्य होगा डॉक्टर बनने के बाद, प्रधान उद्देश्य क्या होगा? पहले तो मैं अपना MBBS कंप्लीट करके फिर आगे PG की पढ़ाई करना चाहूँगा, उसके बाद फिर जिस विषय में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उसमें PG की पढ़ाई करके आगे समाज की सेवा करना चाहूँगा। क्या संदेश दोगे अपने से जूनियर बच्चों के लिए? अपने से जूनियर बच्चों के लिए यही कि बराबर पढ़ाई करते रहिए और समय समय पर जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करते रहिए, बस यही है, बार बार मेहनत करते रहिए, उसी से क्लियर हो। अच्छा सुमन, ये बताओ कि तुमने पहले प्रयास में यह सफलता हासिल की है, कैसा लगता है? तुम्हें उम्मीद थी क्या कि पहले प्रयास में तुम सफल हो जाओगे? जी, पहले प्रयास में सफल होना तो एक बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रहा था कि हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता था, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि हो जाए, तो वही कोशिश में। तुम्हारी लगन थी कि पहली सफलता पहले प्रयास में हो जाए? जी, मैं कोशिश तो कर ही रहा था कि पहले प्रयास में हो जाए। पहले प्रयास में हुआ ना? जी जी, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।